गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हमारा साइंस और चैप्टर है 3। अब भी उसमें आगे बात करते हैं तो भाई स्पिनिंग कॉटन यान की, कॉटन के यान को स्पिनिंग किस तरह से किया जाता है। तो भाई एक्टिविटी 4 है। तो भाई होल्ड सम कॉटन वूल इन अ हैंड, बंच सम कॉटन बिटवीन द थंब, फॉरगेट देयर योर हैंड। कि आप कुछ कॉटन के वूल को अपने हाथ में लो, फिर उसको ऐसे रोटेट करके, फिर खींच के उसमें से थंब से प्रेस करके, फिर उसको धागे के सोप जो शेप है ना उसको मुंह मिल जाता है। नाउ जनरली स्टार्टेड पुलिंग आउट द कॉटन, फिर उसको पुलिंग करना है वाइल द कंटेनिंग ट्विस्ट फाइबर, फिर वो फैब्रिक के रूप में आपको दिखने लगे। आर यू एबल टू मेकिंग यार, आप क्या यान बनाने के लिए एबल हो गए हो। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग 1-2 ई फैब्रिक आर कॉल्ड स्पिनिंग। कि जो यान बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको स्पिनिंग बोला जाता है। इन द प्रोसेस फैब्रिक्स जो फ्रॉम मास कॉटन वूल आर ड्रोन आउट द ट्विस्टेड, कि जो वूल है वो ड्रोन आउट द ट्विस्टेड, फिर जो ये कॉटन है ना वो जो वूल है ना उसको ट्विस्टेड ऐसे करके फिर वो बनाया जाता है। द ब्रिंग द फाइबर टुगेदर फ्रॉम यान, फिर उसमें यान की शेप वो आ जाती है। अ सिंपल ड्राइवर्स यूज द स्पिनिंग इन हैंड, द स्पिनिंग आर सो कॉल्ड थिकली। कि जो ये आपको ये जो डिवाइस आपको दिख रहा है उसको थिकली भी बोला जाता है और स्पिंडल भी बोला जाता है, जिसको यान बनाने में यूज होता है। फिर उसके बाद क्या है, तो भाई स्पिनिंग इज चरखा यूज फॉर, भाई चरखा का भी यूज़ किया जाता है यान बनाने के लिए। कि भाई चरखा वॉज प्रोपुलेटेड बाय महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। कि महात्मा गांधी के द्वारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इस चरखा का यूज़ किया जाता, इसलिए वो पॉपुलेट भी जो होता है तो भाई हो गया वो, और चरखे से भी कॉटन बना सकते हैं। आप इस फिगर में उसको देख सकते हो कि भाई किस तरह से चरखे से यान बनाया जाता है। क्लॉथ हैज मेड द हैंडपम्प यान, द खादी सम इज कॉट मेड द मिल ऑफ ब्रिटिश। कि भाई जो भी क्लोथिस जो बनाए जाते हैं जो कॉटन के उसको खादी बोला जाता है। और सन इम्प्रूवमेंट क्लोथिस मेड द मिल्स ऑफ अ ब्रिटिश। की कुछ ऐसे फैब्रिक्स थे कि जो ब्रिटिश लोगों की जो मिल थी ना उसमें बनाए जाते थे। टू पॉलिस्टर, भाई पॉलिस्टर है जो, भाई पॉलिस्टर क्या है तो एक कपड़ा आता है पॉलिस्टर का। बट द पॉपुलेशन देर आर प्रोमोट द खादी, जो पॉपुलेट क्या हुआ है तो प्रमोट द खादी में से सभी बनाए जाते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसेंट बाय अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉमन इन टू 1956। की जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने खादी कॉटन को पहनने की शुरुआत की, जो कहा है तो पहले तो हमें खादी के कपड़े, अभी भी कुछ लोग खादी कॉटन के कपड़े पहनते हैं, जो लेडीज़ है तो वो कुर्तियाँ वगैरह है या साड़ी भी उस हिसाब से खादी के पहनते। और जो इंडस्ट्री हुई थी विलेज इंडस्ट्रीज कम्बिनेशन इन 1956 में इंडस्ट्रीज़ की स्थापना हुई थी गांव में। स्पिनिंग द यान ऑफ अ लार्ज सेल टू डॉन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। जो यान होता है वो हमारा स्पिनिंग द यान इन अ लार्ज सेल इज डॉन विद द हेल्प स्पिनिंग मशीन। यान को स्पिनिंग करने के लिए मशीन का यूज़ किया जाता है बड़ी मात्रा में, जो यान होता है उसमें। आफ्टर द स्पिनिंग यान आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक। फिर उस यान जो आफ्टर स्पिनिंग के बाद जो यान बनता है तो यान का यूज़ किया जाता है कि इसमें, तो मेकिंग फैब्रिक मीन्स के फैब्रिक बनाने में उसका यूज़ किया जाता है। आप उस ड्रॉ में देख सकते हो चरखे से जो यान कपड़े वगैरह जो धागे हैं वो बनाए जाते हैं, फिर उसमें से वो यान वगैरह बनते हैं। ओके, इस हिसाब से था आपका ये टॉपिक स्पिनिंग कॉटन यान की, जो यान किस तरह से बनता है तो स्पिनिंग की मदद से यान बनाया जाता है, और जो चरखा है उसकी मदद से बनाया जाता है, और यान बनाने में जो चीज़ उस यूज़ होते हैं उसको टेकली भी बोला जाता है, या फिर चरखे की हेल्प से भी वो हम बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।